सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अगरतला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। कॉलेज मिला है, इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं, और आप सबको पता है ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से, मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है, और हम तो जानते हैं हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हरेक को सर पर पक्की छत मिली है, इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां है शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले करा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है, ऐसे में विकास का ये रोडमैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है, आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है, त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है।